Hello everyone, I welcome you to Shilpi Gupta Law Lectures. In this video, I will be discussing about the Consumer Protection Act 2019. This act has repealed the earlier Consumer Protection Act 1986. The major changes which is made to 1986 Act will be highlighted here, which hopefully will give you an overview of the Act. So, let's start. Before discussing the Act, let us understand why Consumer Protection Act either 1986 or 2019 was required. Earlier, the rule caveat emptor prevailed, which means let the buyer beware. That means if the buyer has purchased something and it turns to be defective, he will be liable and not the seller. Caveat emptor ka matlab hai ki agar hum koi प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें बड़े सावधानी के साथ खरीदना होगा और अगर वो प्रोडक्ट खरीदने के बाद कोई डिफेक्ट निकला उसमें तो इसके लिए सेलर जिम्मेदार नहीं होगा बल्कि हम खुद जिम्मेदार होंगे और हम सेलर से किसी तरीके का कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। इस रूल के वजह से सेलर्स जानबूझ के प्रोडक्ट के डिफेक्ट को सप्रेस करके कंज्यूमर को वो डिफेक्टिव गुड्स बेच देते और बहुत आसानी से कैवियट एम्प्टर के रूल की वजह से लायबिलिटी से बच जाते। कंज्यूमर के साथ हो रहे इस फ्रॉड को रोकने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पास किया गया। अब ये कॉन्सेप्ट आया कि कंज्यूमर के डिमांड के वजह से मार्केट एग्जिस्ट करता है, अगर कंज्यूमर नहीं है तो बिजनेस नहीं। इसलिए कंज्यूमर को सुप्रीम मानते हुए उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पास किया गया और रूल ऑफ कैवियट एम्प्टर अब बन गया रूल ऑफ कैवियट वेंडर, जिसका मतलब है लेट द सेलर बीवेयर। अब सेलर को गुड्स बेचते समय सावधान रहना होगा कि वो कोई डिफेक्टिव गुड्स ना बेच दे, वरना इसका लायबिलिटी उसी को उठाना पड़ेगा। 1986 एक्ट ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स यानी अधिकार कंज्यूमर को दिए। ये राइट्स है राइट्स टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिड्रेस। कंज्यूमर को राइट्स के साथ प्रोटेक्शन भी मिला, जैसे कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अगर सेलर अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई ऐसा मीन्स अडॉप्ट करता है जो जेन्युइन ना हो तो उसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बोलते हैं। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस मीन्स कोई अनजस्टिफाइड कॉस्ट लगाना जिससे प्रोडक्ट का प्राइस ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाए। डिफेक्ट गुड्स अगर डिफेक्टिव हो, उसमें कोई प्रॉब्लम हो और उसे मैनिपुलेट करके कंज्यूमर को बेचा जाए। डेफिशिएंसी सर्विसेज जो कि एज पर डिमांड ना हो या प्रॉपर ना हो, ये बता के कि वो प्रॉपर सर्विसेज है उसे दिया जाए, अवेलेबल किया जाए, देन इट इज डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। इस एक्ट ने डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन को एस्टैब्लिश किया, जिसके अंदर कंज्यूमर अपने प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन में जाके केस फाइल कर सकता है एंड रेमेडी भी उसको मिलेगा। यहाँ तक देखा जाए तो 1986 के एक्ट उस समय का सबसे प्रॉपर एक्ट था जो कंज्यूमर्स राइट को वेल प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन 1986 से 2019 ऑलमोस्ट 3 decades में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हुआ। बिजनेस वर्ल्ड हैज अंडरगॉन ड्रास्टिक चेंजेस, इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, राइज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, e-commerce are some of the drastic changes which has really affected our life. These have provided new options and opportunities for consumers. अब हमें goods and services avail करने के लिए घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। In fact, by sitting at home, we can order anything and can get anything. It will be delivered to our place at our doorstep. Delivery system, bank transaction, purchase of goods from any corner of the world has become today very, very easy. But with all these benefits and facilities, another new problem has evolved, where new methods of unfair trade practices has been adopted and many unethical business is done. There are also lots of misleading advertisement, which is done by manufacturers, sellers, endorsers to cheat the consumer. So, ये सब प्रॉब्लम को डील करने के लिए और कंज्यूमर्स राइट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक न्यू बिल इंट्रोड्यूस किया रामविलास पासवान ने, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019। दिस बिल वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑन 6 अगस्त 2019। इट रिसीव्स द असेंट बाय द प्रेसिडेंट
on 9th August 2019 and it came into force on 20th July 2020. Thus now Consumer Protection Act 1986 is repealed by the Consumer Protection Act 2019. So now let us discuss some important changes made in 2019 Act by comparing it with the previous Act. First important change is place of filing complaint. 1986 Act में अगर कोई complaint file करना है तो जहां seller है वहां जाकर file करना होता था. But now 2019 Act में अब consumer अपने residence या office जहां है वहां के consumer forum में जाके file कर सकता है. So now it is easy for consumer to file case within its territorial jurisdiction and is not required to go and file in territorial jurisdictions of seller. Second, pecuniary jurisdiction. Consumer Protection Act 1986 के अंदर अगर किसी consumer को case file करना है district forum में तो वो goods and services का value 20 lakhs तक होना पड़ेगा. अगर उस गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू अबव 20 लाख टू 1 करोड़ है तो उसे स्टेट कमीशन जाना पड़ेगा और अगर अबव 1 करोड़ है तो नेशनल कमीशन. बट नाउ 2019 एक्ट के अंदर अगर उसका गुड्स के कंसिडरेशन वैल्यू अप टू 1 करोड़ है तो उसे डिस्ट्रिक्ट फोरम जाना होगा, अबव 1 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़ है तो स्टेट कमीशन और 10 करोड़ के ऊपर है तो नेशनल कमीशन में फाइल करना होगा. थर्ड मेजर चेंज है ई कॉमर्स. 1986 में ई कॉमर्स का कोई प्रोविजन नहीं था. 2019 में ई कॉमर्स को इंक्लूड किया गया और कंज्यूमर के मीनिंग को ब्रॉडन करते हुए कहा गया कि अब फिजिकली ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिकली भी अगर कोई सामान परचेज करता है तो वो कंज्यूमर के डेफिनेशन में आएगा. सो नाउ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पेपर बेस्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन इज गिवन. ई कॉमर्स का वेरियस कैटेगरीज है जैसे ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, ऑनलाइन सेल्स, प्रोडक्ट डिलीवरी, प्रोडक्ट सर्विस, ऑनलाइन बिलिंग. सो नाउ कोई भी तरीका का ट्रांजैक्शन जो इलेक्ट्रॉनिकली किया गया है इट इज टोटली सिक्योर्ड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. कल को कोई भी प्रॉब्लम होता है वी कैन फाइल अ केस इन द कंज्यूमर फोरम्स एज पर द न्यू एक्ट. Fourth important change is product liability. This was not there in 1986 Act. 2019 में इसको introduce किया गया, जहां consumer का right है ये जानना कि किससे उसको compensation मिलेगा, manufacturer से, seller से या service provider से. So पहले क्या होता था कि अगर हम कोई online platform like Myntra, Amazon से अगर कोई goods खरीदते थे और उसमें कोई defect निकलता था So, अगर हम कोई केस अगेंस्ट दिस Myntra या Amazon फाइल करते थे तो वो कहते थे कि वी आर जस्ट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर बहुत सारे सेलर्स लोग हैं जो लोग आके अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, वी आर नॉट मैन्युफैक्चरर, एज सच हम लायबल नहीं है. सो अगर आपको सूट फाइल करना है तो आप जाओ मैन्युफैक्चरर के पास जाके सूट फाइल करो. सो इससे कंज्यूमर्स को अननेसेसरी बहुत हैरेसमेंट होता था. सो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए प्रोडक्ट लायबिलिटी इंट्रोड्यूस किया गया. अब अगर किसी को भी कोई खराब गुड्स को बेचा गया है तो वो ना ही सिर्फ सेलर मैन्युफैक्चरर बट द प्लेटफॉर्म्स लाइक Myntra, Amazon इन लोग के अगेंस्ट भी सूट फाइल कर सकते. फिफ्थ इंपॉर्टेंट चेंज इज इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी विच वॉज नॉट देयर इन 1986 एक्ट. सो दिस अथॉरिटी is given the important functions of making inquiry. Kis cheez ka inquiry? Inquiry upon violations of consumer rights. Investigate karega ki whether consumer rights ka violations hua hai. Aur agar koi bhi goods jo ki inappropriate hai, usse becha gaya, koi bhi services hai jise deficiency, jisme deficiency hai, usko diya gaya, to immediately order karega ki aap wo goods recall karwaiye, wo services withdraw karwaiye. In fact, अगर कोई misleading advertisement चल रहा है किसी goods के बारे में तो वो direction देके उसको तुरंत stop भी करवा सकता है. इस body का सबसे important role ये है कि ये consumer rights को promote करता है और
रिकमेंड भी करता है कि व्हाट आर द बेस्ट मींस, कैसे कंज्यूमर राइट्स को ज़्यादा अच्छा से हम लोग प्रोटेक्ट कर पाए और कंज्यूमर्स के राइट को स्ट्रेंथन कर सके। सो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी है जिसमें कंज्यूमर्स राइट को बेटर प्रोटेक्शन मिलता है। Sixth important change is e-filing and video conferencing. This provision was not there in 1986. Consumer को और ज़्यादा relief देने के लिए ये provision को introduce किया गया 2019 Act में। अब complainant को जाके physically present होके consumer forum में case file करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसके पास reasons है, अगर उसके physical appearance possible नहीं है, तो वो e-filing कर सकता है। और अगर वो एग्जामिनेशन के स्टेज में भी आना उसके लिए संभव नहीं है, तो उस पॉइंट पे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा के अपना एग्जामिन वो करवा सकता है। सो अब कंज्यूमर के लिए और इजी हो गया है, विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट वेस्टिंग मनी, वो अपने प्लेस ऑफ रेसिडेंस, प्लेस ऑफ बिजनेस से ही कोई भी कंज्यूमर फोरम में केस फाइल कर सकता है और उसे रिलीफ डेफिनेटली मिलेगा। सेवेंथ मेजर चेंज इज इंट्रोडक्शन ऑफ मीडिएशन सेल। 1986 में इसका कोई प्रोविजन नहीं था, बट 2019 में ये कंपल्सरी किया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट एंड नेशनल कमीशन में मीडिएशन सेल होना पड़ेगा। और इसका मेन काम क्या है कि डिस्प्यूट को बिटवीन द पार्टीज जल्दी जल्दी सेटल करो, जल्दी डिस्पोज करो, सो दैट पार्टीज को कम से कम हरेसमेंट हो और कंज्यूमर को कंपनसेशन जल्दी मिल पाए। लास्ट मेजर चेंज है पेनल्टीज ऑन मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। 1986 एक्ट में इसका कोई प्रोविजन नहीं था, 2019 में ये इंक्लूड किया गया। अब मैन्युफैक्चरर या सेलर ही नहीं बल्कि एंडोर्सर भी जो उस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करता है वो भी लायबल है अगर एज पर एडवर्टीजमेंट उस प्रोडक्ट का क्वालिटी ना हो। बहुत सारे स्टार्स जो हमारे आइडल होते हैं, हम उनके एडवर्टीज प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और सोचते हैं कि इतने बड़े स्टार ने एडवर्टीजमेंट किया है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट अच्छा होगा। बाद में हमें लगे कि नहीं, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? कौन लायबल होगा? मैन्युफैक्चरर जिसने खराब बनाया, बट हमने तो अपने फेवरेट स्टार्स को देख के वो प्रोडक्ट खरीदा। सो अब इस न्यू एक्ट के अंदर हम मैन्युफैक्चरर के साथ एंडोर्सर को भी लायबल कर सकते हैं। तो अब एडवर्टीजमेंट करने वालों को भी केयरफुल होना होगा कि प्रोडक्ट को जान ले कि अच्छा है या नहीं, फिर एडवर्टीजमेंट करे, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तो वो भी हो सकते हैं। सो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करने का पेनल्टी है मैक्सिमम 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन ऑफ ₹10 lakh, और सब्सिक्वेंटली कोई रिपीट करता है तो ₹50 lakh। अगर कोई एंडोर्सर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करता है तो उसको 1 year तक कोई भी प्रोडक्ट का वो एंडोर्समेंट नहीं कर सकता, और अगर वो सब्सिक्वेंटली रिपीट करता है तो ये बैन उसके ऊपर 3 साल तक लग सकता है। सो ये था मेजर चेंजेस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। नाउ इट कैन बी फर्मली सेड दैट द रूल ऑफ केविट एम्प्टर नो लॉन्गर एग्जिस्ट, एंड अब कंज्यूमर को हर तरीके के फ्रॉड से बचाने का प्रोविजन इस नए एक्ट में रखा गया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मेजर चेंजेस ऑफ दिस एक्ट। In my upcoming videos, I will be discussing in details about the provision of Consumer Protection Act 2019. So don't forget to subscribe my channel. Thank you.